एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। तो दोस्तों, आज हम वीडियो वॉच करने जा रहे हैं। ये वीडियो है हाउ इंडिया बिकम द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। गाइज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से ओरिजिनल वीडियो वॉच कर सकेंगे। मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। सो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं इस वीडियो को। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड हियर वी गो। 1969 में इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अपने खुद के मार्केट के अंदर सिर्फ 5% मेडिसिन के लिए जिम्मेदार थी, और आज अपने खुद के मार्केट में 95% मेडिसिन का मार्केट शेयर वो रखती है। ग्लोबली डेवलपिंग मार्केट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 85% जो भी मेडिसिन होते हैं वो हमारे देश के अंदर बनते हैं, और साल 2020 में पूरे वर्ल्ड के लिए 64% मेडिसिन जो बनी वो हमारे देश में ही बनी थी, और इसलिए इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। और ये नाम इंडिया को मिला कैसे, इसके बारे में आज हम जानेंगे। इस सवाल के जवाब को जानने के लिए हमें 20 साल पीछे जाना होगा। अभी फिलहाल इंडिया में मेडिसिन पर पेटेंट नहीं मिलते और कोई भी मोनोपोली किसी भी मेडिसिन मार्केट में नहीं दी जाती। इस समय पर अफ्रीका संकट में था, 22.5 मिलियन लोग एचआईवी का शिकार हो चुके थे, और ये एपिडेमिक बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा था और इसे रोकने के लिए कई सारी कोशिशें हो रही थी। लेकिन यहाँ पर अफ्रीका के सामने एक बहुत ही ज्यादा बड़ी समस्या थी। उस समय पर वेस्टर्न देशों के द्वारा कुछ एचआईवी के मेडिसिन खोज लिए गए थे, लेकिन एक पेशेंट को एक साल तक इन मेडिसिन का डोजेस कंप्लीट करने के लिए $10,000 की कीमत चुकानी पड़ती, जो आज के डेट में भी एक बहुत बड़ी अमाउंट है किसी भी डेवलपिंग देश के लिए। और अगर आप 20 साल पहले के हिसाब से सोचो तो ये ऑलमोस्ट सारे लोगों के लिए एक अनअचीवेबल अमाउंट थी अपने खुद के ट्रीटमेंट के लिए। इसके वजह से सब सहारन देशों में एचआईवी बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा था, लोगों की इसके वजह से मौत हो रही थी, और कोई भी सॉल्यूशन अफोर्डेबल तरीके से इसके लिए नहीं मिल पा रहा था। यहाँ पर हमारी इंडियन कंपनी सिप्ला ने एक चीज आइडेंटिफाई की, क्योंकि इंडिया में जेनेरिक ड्रग्स बनाने पर कोई भी पाबंदी नहीं थी, तो बिना पेटेंट डिस्प्यूट के सिप्ला एचआईवी के ड्रग्स माइनर ट्वीकिंग के साथ में भारत के अंदर प्रोड्यूस कर सकती थी। और जो वेस्टर्न देशों के अंदर उस समय के फार्मा कंपनी थे, जिन्हें बिग फार्मा के नाम से भी जाना जाता है, और हजारों % का मार्जिन वो अपने हर दवाई पे लगाते हैं, उसके वजह से सिप्ला छोटे छोटे मार्जिन के साथ में काफी ज्यादा सस्ती कीमतों पर ड्रग्स प्रोड्यूस कर सकता था। और साल 2003 में सिप्ला ने जो $10,000 की मेडिसिन वेस्टर्न देशों में से आ रही थी, उसके कंपैरिजन में सिर्फ $400 पर ईयर के हिसाब से डोजेस रिलीज की और अफ्रीकन देशों में उन्हें पहुंचाना शुरू कर दिया, और ये ऑब्वियसली बहुत ज्यादा मददगार साबित हुआ। साल 2003 से लेकर साल 2008 तक सिर्फ और सिर्फ सिप्ला के मेडिसिन की वजह से अफ्रीका में एचआईवी के केसेस 18 गुना कम हो गए, और ये एक एपिडेमिक लेवल पे फिर बाद में नहीं रहा। इसके बाद में यूनाइटेड नेशंस की जो एड्स ऑर्गेनाइजेशन है, उनके डायरेक्टर ने पर्सनली अपने स्पीच के दौरान ये कहा कि अगर सिप्ला नहीं होती तो $2 बिलियन का खर्च जो इस पूरे अफ्रीकन मिशन में खर्च हुए हैं, उसके बजाय उन्हें $200 बिलियन तक का खर्च करना पड़ता था, और इसके लिए वो सिप्ला को धन्यवाद देना चाहते हैं। इन चीजों के बाद में इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड के फोकस में धीरे धीरे आने लगी, क्योंकि केमिकल कॉम्पोजिशन, क्वालिटी कंट्रोल और उन ड्रग के इफेक्ट में कोई भी चेंजेस नहीं थे जो वो इंडिया में बनते थे और किसी और देश में, इसलिए डॉक्टर्स का भी पूरा भरोसा था इंडियन ड्रग्स पर। और बाद में जितने भी डेवलपिंग देश है, अंडर डेवलप्ड देश है, और फिर कुछ डेवलप्ड देशों के अंदर भी इंडिया के ही फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के द्वारा बनाए गए ड्रग्स को रिकमेंड किया जाने लगा, और डॉक्टर्स और उनकी बॉडीज ने इसे काफी अच्छा रिकॉग्नाइज किया। यहाँ पर हमारे जैसे कुछ इंडियन कंपनीज ने एक टेम्पलेट क्रैक कर ली थी कि किस तरीके से शॉर्ट टर्म में किसी भी पर्टिकुलर ड्रग को लार्ज स्केल पर डिप्लॉय किया जा सकता है। यहाँ पर सन फार्मास्यूटिकल, रैंड वैक्सीन, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, इन्होंने अपना इनिशियल रोड मैप कुछ इस तरीके से बनाया कि कुछ ऐसे डिजीजेज जो फिलहाल एपिडेमिक में है, बड़े स्केल पर फैल रही है, उनके लिए जो ड्रग्स अवेलेबल है वो बहुत ज्यादा महंगे हैं, ज्यादा लोग उन्हें रीच भी नहीं कर सकते। ऐसे ड्रग्स को वो बनाए, उन्हें सस्ती कीमतों पर मार्केट में ले आए, और उसके वजह से तेजी से उस मार्केट को कैप्चर कर ले। 21वीं सदी के पहले डेकेड में इन सारी कंपनीज ने ऐसी ही बीमारियों पर फोकस किया, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस, मीजल्स,
इन जैसी एपिडेमिकली फैलने वाली बीमारियों के ऊपर हमारे देश ने कई गुना, इनफैक्ट कुछ केसेस में 40 से 50 गुना सस्ती ड्रग्स बनाई और बड़े पैमाने पर जहाँ पर भी एपिडेमिक्स फैल रहे थे वहाँ पर उन्हें पहुँचा दिया और वहाँ के लोगों को इंडियन ड्रग्स की वजह से रिलीफ मिला। ट्रस्ट बढ़ने के वजह से धीरे धीरे तो जो नॉर्मल बीमारियाँ होती है उनके लिए भी इंडियन कंपनीज के ड्रग्स को ही रिकमेंड किया जाने लगा और 2012 तक दुनिया भर की 133 देशों के अंदर हमारे देश के अंदर बने हुए मेडिसिन पहुंचने लगे थे। इस समय इंडिया में वैक्सीन मार्केट भी डेवलप होना शुरू हो गया था। अब ऑब्वियसली 2010 से लेकर 2015 के बीच में फार्मा इंडस्ट्री अच्छी खासी डेवलप हो गई थी, लेकिन वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कि हमारे देश के अंदर की वैक्सीन इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा बड़ी कैसी हो गई, इसके पीछे भी यूनाइटेड नेशंस का थोड़ा बहुत हाथ है। दोस्तों आप में से कई लोग जानते होंगे कि यूनाइटेड नेशंस की जो हेल्पिंग वाली एजेंसीज होती है जो दुनिया भर के कई सारे अंडर डेवलप देशों के अंदर वैक्सीनेशन के काम करती है, उन्हें एक लिमिटेड बजट मिलता है और ऑब्वियसली उनका काम है कि उस बजट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की वो मदद कर पाए। वेस्टर्न कंट्रीज में जो वैक्सीन बन रही थी उसके द्वारा एक दो देश भी ठीक से वैक्सीनेट नहीं हो पाते, जबकि हमारे इंडिया के अंदर बनी हुई वैक्सीन उसी कीमत पर पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट्स को वैक्सीनेट करा सकती थी और इंडिया के पास में वो कैपेसिटी भी थी उन्हें प्रोड्यूस करने की। और यूनाइटेड नेशंस ने जो भी वैक्सीन आज तक यूज़ की है वो इंडिया में ही बनी और आज की डेट में दुनिया भर में हर 3 में से 1 वैक्सीन इंडिया में ही बनती है और साल 2021 में यह आंकड़ा 2 में से 1 हो गया है, यानी हर दूसरी वैक्सीन 50% ऑफ वैक्सीन इंडिया के अंदर ही बनती है। अब मैंने कई बार ये मेंशन कर दिया कि इंडिया की वैक्सीन और ड्रग्स बहुत सस्ते हैं, चीप है, लेकिन इसका मेरा मतलब क्या है थोड़ा कंटेक्स्ट के साथ में समझते हैं। कुछ ड्रग्स का एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे। HIV की जो वैक्सीन नॉर्मली मार्केट में मिलती है उसका एक डोजेज 2500 रुपीस का पड़ेगा अगर आप इंडियन काउंटर पार्ट से वो मेडिसिन खरीदो, जबकि वही चीज इंडिया में 12 रुपए में मिल जाती है। हेपेटाइटिस सी की दवाई 49,000 रुपीस पर डोज है जबकि इंडिया में 151 रुपीस में बन जाती है। ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया के लिए जो मेडिसिन होते हैं वो हर डोज के लिए 8,860 रुपीस की कीमत पर इंटरनेशनल मार्केट्स में अवेलेबल है, जबकि इंडिया में सिर्फ 66 रुपीस में ये ड्रग्स बन जाते हैं। अस्थमा की बीमारियों के लिए जो गोलियां मिलती है वो इंटरनेशनल मार्केट में 300 रुपीस पर डोज है, जबकि इंडिया में ये 4 रुपए तक नीचे आ जाती है। ट्यूबरकुलोसिस के लिए भी 9,233 रुपीस पर डोज की जो दवाइयां है वो इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री 30 रुपए में बना देती है, जबकि किडनी और लिवर कैंसर जैसी बीमारियों के लिए जब इंटरनेशनल मार्केट में लोग 11,595 रुपीस चुकाते हैं वही इंडिया में ये काम 111 रुपए में हो जाता है। और इसलिए दुनिया भर में जो ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं, यूनाइटेड नेशंस की बॉडीज हैं, जो भी इंसानियत की भलाई के लिए काम करने वाले ट्रस्ट हैं, वो इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं सारे के सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। रिसेंटली इसराइल, जापान, US, EU, इन कंट्रीज के अंदर की कुछ बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज, जैसे मैंने कहा जिन्हें बिग फार्मा के नाम से जाना जाता है, इन्होंने इंडिया के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जो भी रूल्स हमारे गवर्नमेंट के द्वारा अप्लाई होते हैं उन्हें चेंज कराने की कोशिश की ताकि मार्केट के अंदर हम और ज़्यादा ग्रो ना हो पाए। बेसिकली ये देश अभी कोशिश ये कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो लॉज बनाए गए हैं पेटेंट रिलेटेड स्पेशली जेनेरिक ड्रग्स के बारे में उन्हें वो चेंज कर पाए ताकि इंडिया का मार्केट शेयर कम हो और अपनी महंगी दवाइयाँ ये बाकी कंट्रीज दूसरे देशों में भेज पाए। इसके लिए कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज ने लॉबिंग करने की भी कोशिश की है। आप में से जो लोग नहीं जानते लॉबिंग क्या होती है, तो जब प्राइवेट कंपनीज पॉलिटिकल पार्टीज को लुभाने के लिए पैसों का इस्तेमाल करती है ताकि रूल्स और लॉज उनके हिसाब से चेंज किए जाए तो उसे लॉबिंग कहा जाता है। कुछ देशों के अंदर ये लीगल भी होता है, US और यूरोप के देश भी इसके अंदर शामिल है। और ऐसी लॉबिंग करते हुए इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री को पीछे ढकलने की कोशिश की जा रही है आज की डेट में। लेकिन फॉर्चुनेटली कई सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के पीछे है, डॉक्टर्स विदाउट बाउंड्रीज, कुछ UN के ऑफिसर्स और जितने भी फ्रेंडली देश आज हमारे साथ में है वो इंडिया को बैक करते हैं फार्मा इंडस्ट्री के अंदर और वो चाहते हैं कि मेडिसिन सस्ती ही रहे और बिग फार्मा कोई भी रूल इंडिया के खिलाफ पास नहीं कर पाए। इसके बावजूद इंडियन गवर्नमेंट में आज थोड़ा प्रेशर है कि वो थोड़े बहुत रूल्स चेंज करे अपने पेटेंट से रिलेटेड ताकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उन पर कोई सैंक्शंस वगैरह ना लगे। लेकिन मोस्टली जो सपोर्ट आज इंडिया को मिल रहा है और स्पेशली 2021 में जो इम्पोर्टेंट रूल आज इंडिया का बन गया है पूरी दुनिया को हेल्दी रखने के लिए, उसके वजह से आने वाले कुछ सालों तक तो बिल्कुल भी किसी देश के द्वारा हमें प्रेशर आते हुए नहीं नजर आएगा, क्योंकि फिलहाल वही देश आज लाइन में खड़े हैं वैक्सीन लेने के लिए, दवाइयां लेने के लिए। इसके लिए रिसेंट में तो ये होना काफी ज्यादा मुश्किल है। आज इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री $50 बिलियन की वैल्यू रखती है और साल खत्म होने तक यानी 2021 दिसंबर तक ये अकेली इंडस्ट्री $70 बिलियन तक पहुंच जाएगी, ऐसा मार्केट एस्टिमेट लगाया गया है। पिछले ही साल कई सारी छोटी फार्मा इंडस्ट्रीज डबल या ट्रिपल भी बन गई है और इनके स्टॉक्स मल्टीबैगर बन चुके हैं।
कुछ कुछ सेक्टर्स के अंदर, और इसलिए और ज्यादा पोटेंशियल नजर आ रहा है इंडियन फार्मा इंडस्ट्री के बड़े होने में, और इस तरह इंडिया बन गई फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, मोस्टली ये मेरी लास्ट वीडियो रहेगी मार्च के पहले। जैसा कल रात की इंफो न्यूज में मैंने अनाउंस किया है, मैं कुछ दिनों के लिए नहीं रहने वाला हूँ, तो मॉर्निंग वीडियो सभी आपको मार्च तक देखने नहीं मिलेगी। बाकी ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगले वीडियो में। गाइस यही पे वीडियो एंड होता है। क्या जबरदस्त वीडियो था, वेरी नाइस वेरी नाइस। बहुत मेडिकल सिस्टम किस तरह से शुरू हुआ, कैसे हुआ, वो सारी इसमें इंफॉर्मेशन शेयर की गई है। और मैं इस पूरी वीडियो को वॉच करने के बाद ना मैं एक बात कहना चाहूंगी, आज इंडियन मेडिकल ये इंडस्ट्री है तो शायद आज पूरी दुनिया में इतनी सस्ती मेडिसिन मिल रही हैं। स्पेशली आप नेपाल की बात कर लें, भले पाकिस्तान की बात कर लें, चाहे आप अफ्रीकन कंट्रीज की बात कर लें, तो आपको मेडिसिन इतनी सस्ती मिल जाती हैं एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तो मैं समझती हूँ कि ये मेडिसिन आपको बहुत ज्यादा रिजनेबल प्राइस में मिलती हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत ही ज्यादा अच्छी होती हैं, जिससे जो है आप हर तरह की बीमारी से लड़ने के लिए आपको मेडिसिन जो हैं वो इतनी कम प्राइस में मिल जाती हैं। सच एज जैसे कैंसर की मेडिसिन इन्होंने बताई है कि 100 एंड समथिंग की आपको मेडिसिन मिल जाती है, और जो है आप डिफरेंट टाइप्स की जो इलनेस होती है उसके लिए आप इस तरह की मेडिसिन जो हैं वो यूज कर सकते हैं। सो आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो पाकिस्तान में भी काफी मेडिसिन जो आती हैं वो भारत से ही आ रही हैं, और इसके अलावा कोविड में भी आप देखें तो वैक्सीन अगर यूज की गई और ज्यादातर लोगों में इस्तेमाल हुई तो वो इंडियन वैक्सीन को ही रिलायबल समझा गया। हालांकि कुछ ही दिनों के अंदर उन्होंने ये वैक्सीन तैयार की थी, और आज देखें आप इंडिया में इंडिया की मेडिकल सिस्टम जो है वो इतना स्ट्रांग है कि मैं कहती हूँ कि जो हमें मेडिसिन चाहिए ना वो इंडियन मेडिसिन पाकिस्तान में भी अवेलेबल होती है। क्यों? क्योंकि सारी आती ही इंडिया से है, और पूरी दुनिया में आई थिंक अब तो मेडिसिन मिल जाती हैं इंडियन मेडिसिन, तो आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा लगा कि चलो अफ्रीका की इस मुश्किल घड़ी में भी इंडिया ने उसका साथ दिया। अच्छा ये बात मुझे अब पता चल रही है कि उस वक्त भी इंडिया ने साथ जो दिया वो इंडिया ने ही साथ दिया मेडिकल सिस्टम में भी, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। सो गाइस आप लोग इसके ऊपर क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देखें पूरी दुनिया में पहले एक वक्त था जब इंडिया की मेडिसिन का कोई नाम नहीं था, और आज देख लो आयुर्वेदिक की बात कर लो, चाहे आप मेडिकल सिस्टम की बात कर लो, हर तरह से इंडिया को जो है वो अभी नाम चलता है और मेडिसिन सप्लाई हो रही है और अपना एक नाम बना लिया, एक ट्रस्ट लेवल बना लिया ना, तो ये बहुत अच्छी बात है। सो गाइज अच्छा लगा वीडियो वॉच करके कि इंडिया अब इंडिया ना तो इंडिया की मेडिकल सिस्टम बल्कि इंडिया के जो डॉक्टर्स हैं वो भी वर्ल्ड क्लास में आते हैं, उन्होंने भी अपना नाम बनाया। सो बहुत अच्छा लगा गाइज, क्या कहेंगे कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, वाज अ लव एंड